बॉलीवुड के गोरे चिट्टे और स्मार्ट पर्सनालिटी के मालिक आमिर खान ने आज तक बॉलीवुड की कई हसीनाओं के साथ काम किया है, जो देखने में इतनी ज्यादा दिलकश नजर आती थी कि हर कोई उनसे शादी करने को तैयार था। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि इन्हीं हसीन अभिनेत्रियों के साथ काम करने के बावजूद आमिर खान का दिल उन अभिनेत्रियों पर लट्टू ना होकर एक आम लड़की पर आ गया, जिनसे इन्होंने शादी भी कर ली। पर क्या आप जानते हैं कि आखिर उन हसीनाओं को छोड़कर आमिर ने एक आम लड़की को ही क्यों चुना? और आज हम आपको इसी सवाल का जवाब देने वाले हैं, मगर उससे पहले आप हमारी वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें। मन और गुलाम जैसी फिल्मों में काम करके मशहूर हुए अभिनेता आमिर खान एक बेहतरीन एक्टर हैं, जिनकी बेहतरीन एक्टिंग की वजह से ही आज बॉलीवुड में उन्हें मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने बॉलीवुड की कई सारी खूबसूरत हसीनाओं के साथ काम किया है, जो दिखने में इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि हर कोई उनकी ब्यूटी पर लट्टू था। मगर आमिर खान कभी भी उन अभिनेत्रियों पर लट्टू नहीं हुए, बल्कि इनका दिल तो एक आम सी दिखने वाली साधारण लड़की पर आ गया था। जी हाँ, आपको बता दें कि ये रीना दत्ता से बहुत प्यार करते थे, जिनका घर बिल्कुल आमिर के घर के सामने था, जहाँ से इनकी लव स्टोरी की शुरुआत हुई थी। आमिर रीना के घर के बिल्कुल सामने रहते थे और यहीं से इनकी रीना के साथ नैन मटक का शुरू हुआ। ये रीना के प्यार में इस कदर पागल हो गए थे कि किसी भी कीमत पर रीना से शादी करना ही चाहते थे। मगर उस समय रीना के मन में आमिर के लिए ऐसा कुछ भी नहीं था, जिसके चलते आमिर का प्यार एक तरफा ही रह गया। पर धीरे धीरे रीना भी आमिर की तरफ अट्रैक्ट होने लगी और उन्हें आमिर से प्यार हो गया, जिसके बाद दोनों ने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर दिया। पर दोनों के धर्म एक दूसरे के आड़े आ रहे थे, क्योंकि रीना एक हिंदू धर्म से बिलोंग करती थी, वहीं आमिर खान एक मुस्लिम धर्म से। मगर इन सब के बावजूद भी दोनों ने किसी की परवाह किए बिना फैमिली से छुपकर शादी कर ली, क्योंकि आमिर रीना से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। इसीलिए आमिर ने अपने प्यार को मुकम्मल करने के लिए सभी मुसीबतों को किनारे करते हुए रीना से शादी रचा ली। मगर शादी के बाद आमिर फिल्म में व्यस्त हो गए और रीना ने घर संभाल लिया, और यहीं से दोनों के रिश्तों में दूरियां आने लगी। साथ ही आमिर के अफेयर्स की भी चर्चाएं शुरू हो गई, जिसके बाद दोनों ने आपसी सहमति से एक दूसरे को डिवोर्स दे दिया था। दोस्तों, आपको क्या लगता है, आमिर खान ने एक नॉर्मल सी लड़की से शादी करके सही डिसीजन लिया था या गलत? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।